नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। गांधीनगर में विधानसभा को घेरा, इससे पहले ही शिक्षकों को रोक लिया गया। 2019 के चुनाव आने से पहले ही सरकारी विभागों के कर्मचारी अपनी मांगें पूरी हो जाए ऐसी इच्छा जता रहे हैं। बुधवार शाम से ही राज्य परिवहन के कर्मचारी सातवें वेतन मांग के साथ हड़ताल पर उतरे हुए हैं। तभी आज सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मां सीएल पर उतरकर विधानसभा को घेरा। जिला प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा शिक्षकों के कई वक्त से अटके हुए सवालों को लेकर राज्य के 2.25 लाख शिक्षक हड़ताल पर उतरेंगे। राज्य के सभी शिक्षकों की मांग है कि सन 1997 से फिक्स वेतन पर नौकरी करते कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाए। राज्य के सभी शिक्षकों की मांग है कि सन 1997 से फिक्स वेतन पर नौकरी करते कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाए। अलग ग्रेड पे नए भर्ती किए गए शिक्षकों को भी पुराने शिक्षकों की तरह पेंशन का लाभ मिले और सातवें वेतन मांग के साथ खड़े हुए हैं। जबकि आज फिर से शिक्षक संघ अन्य मांग को लेकर खड़े हैं, जिसमें शिक्षक संघ के प्रमुख और अन्य लोगों की धरपकड़ की गई है। इसी के साथ संघ के प्रमुख दिग्विजय सिंह जाडेजा को हिरासत में लिया गया है और बाकी के लोगों को भी रोका गया है और इस आंदोलन को रोकने और तोड़ने का प्रयास किया गया है। गुजरात बनासकांठा से दीपक पुरवरिया की यह खास रिपोर्ट। सरकार प्रयास करी रही छे त्यारे कांग्रेस अनो राजकीय लाभ उठावानो मिथ्या प्रयत्न करी रही छे। राजकीय रोटला शेकवानो कांग्रेस बंद रहे, बंद करे ભૂતકાળના પ્રશ્નો અને સમસ્યાનો ઉકેલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જ આવ્યો છે। આ મુદ્દાની પણ ચર્ચા કરીને ઉકેલ અન્ય કોઈ નહીં લાવે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા જ લાવવામાં આવશે। એટલે કોંગ્રેસ આનો રાજકીય લાભ ન ઉઠાવે, રાજકીય રોટલા શેકવાનું બંધ કરે। આવતા દિવસોમાં તાકીદે 3 મંત્રીશ્રીઓની મિટિંગ મળશે અને એની વિચારણા થશે। દરમિયાન એમની એક માંગણી હતી કમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ જે દરેક શિક્ષકે લેવાનું હોય છે, એની મુદત પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી। એની મુદત લંબાવવા માટે એની એક માંગણી હતી, તે મુદત અમે 1 વર્ષ માટે લંબાવી પણ દીધી છે અને એની જાણ પણ પ્રત્યક્ષ રીતે જ્યારે મળવા આવ્યા ત્યારે એમને જાણ પણ કરી છે। અને હું આશા રાખું છું કે આ આંદોલન હવે બંધ રહેશે। એને ધ્યાનમાં રાખીને, આજના શિક્ષકોના આંદોલનને ધ્યાનમાં રાખીને માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી માન્ય નીતિનભાઈના વડપણ હેઠળ આંદોલનકારીઓ સાથે મારા શિક્ષક ભાઈ બહેનો સાથે વાટાઘાટો કરવા માટે 3 સિનિયર મંત્રીઓની કમિટી બનાવી છે, માન્ય નીતિનભાઈ, હું અને માન્ય અંતુ સાહેબ। આ સરકાર સંવાદમાં માનનારી સરકાર છે। અત્યાર સુધી અમે ક્યાંય વિવાદ નથી કર્યો, બધા પ્રશ્નો સમસ્યા મુદ્દા ચર્ચા કરીને ઉકેલ લાવ્યા છે। ત્યાં સુધી મારા વિભાગને લાગે વળગે છે, ત્યાં સુધી પ્રાથમિકથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના તમામ સંઘો સાથે નિયમિત રીતે મળી અધિકારીઓને મારી હાજરીમાં એમના વણુકલ્યા 11 પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આવ્યું છે। અને એને ધ્યાનમાં રાખીને આ 3 મંત્રીશ્રીઓની કમિટી આ મુદ્દે પણ સાંભળીને હકારાત્મક રીતે જે કંઈ સરકારની મર્યાદામાં ઉકેલ આવશે તે કરશે। विद्यालयों में टीचरों की मनमानी जारी, बच्चों पर नहीं आता अपना नाम तक लिखना, स्कूल बच्चों के लिए नहीं बनता पोषाहार। विद्यालय में टीचरों की तानाशाही जोरों पर 10 के स्टाफ से मिले 3 अध्यापक उपस्थित। कामा तहसील के जुरहरा क्षेत्र के गांव घोसीगा में अध्यापकों की लापरवाही जोरों पर मिली। अध्यापक मनमानी से छुट्टी कर अपने घरों के कामकाजों में व्यस्त रहते हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि 4 साल से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे पर अपना नाम तक नहीं लिखना आता और पोषाहार की भी अनियमितता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज स्कूल में बच्चों के लिए कोई भी पोषाहार नहीं बनाया गया।
पोषाहार प्रभारी भी मौके पर उपस्थित नहीं रहता। पोषाहार प्रभारी व ठेकेदार मिलकर बच्चों का पोषाहार का राशन डकार रहे हैं। वहीं विद्यालय में 8वीं कक्षा के बच्चे से अपना नाम लिखवाया तो बच्चा हिंदी में अपना नाम तक नहीं लिख सका। 9वीं कक्षा के बच्चों से इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूछने पर बच्चे ने बताया कि इंग्लिश ग्रामर की हमें भनक तक नहीं है। अब देखना यह है कि मेवात क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कमजोरी की कगार पर है या कमजोरी की वजह अधिकारियों के स्कूल निरीक्षण न करने की हो सकती है या फिर अध्यापक व अधिकारियों द्वारा मेवात में शिक्षा में भेदभाव किया जा रहा है। भरतपुर से राकिब खान की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आवाज में बोलो। कौन से गांव से हो? कौन सी क्लास में हो? हिंदी कौन सा पढ़ाते हैं? सोशल साइंस कौन पढ़ाते हैं? कौन कौन से? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? स्कूल में पोषाहार आप ही बनाते हो? आज पोषाहार क्यों नहीं बन रहा? पोषाहार ना बनना तो पानी जी कभी कुछ ना रहे, कभी मसाला ना रहे, कभी पानी ना रहे, कभी गैस ना रहे। एक साल होगी बच्चे पर नाम लिखते नहीं आ रहा। कौन सा प्राइवेट में से? प्राइवेट में से रोक के नहीं सरकारी में दिया है। अब 15 मास्टर आ रहा है, 15 के बजाय अब एक भी नहीं आ रहा। और आते हैं तो सारा पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। बच्चे का नाम नहीं लिया जा रहा, अभी बच्चे का नाम लिखता नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा बच्चे का पता। महापौर विवेक सेजवलकर शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 का लगभग 1900 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। यह उनके महापौर कार्यकाल का अंतिम बजट है। लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर निगम के इस बजट में शहर के लोगों पर कोई भारी भरकम टैक्स नहीं लगाया गया है। शुक्रवार को जल विहार स्थित निगम परिषद में विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच महापौर विवेक सेजवलकर ने निगम परिषद का वार्षिक बजट पेश किया। नए बजट में मुरार में 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महाराज बाड़ा पर निगम की पुरानी इमारत में संग्रहालय बनाने के साथ साथ स्कूलों की हालत को सुधारने के प्रस्तावों को शामिल किया गया है। हालांकि वर्ष 2018-19 के बजट में जो बजट में वायदे किए थे वे पूरे नहीं हो पाए हैं। पुरानी सेवा डेपोर के लिए सुनार क्षेत्र में कोई 40 किलोमीटर लंबी चलने का काम भी चल रहा है। माननीय देश में जो कार्य डीएमए बनाने के लिए किया जा रहा है वो सारे कार्य जो पाइपलाइन के जो लंबाइयां दी हुई इस लंबाइयों के अंतर्गत हो रहा है। सीवर सिस्टम और इसके भी लश्कर क्षेत्र शुक्रवार को निगम परिषद में आयोजित बजट बैठक से पूर्व यहां सभी सदस्यों ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों के परिजनों के लिए 1-1 महीने के वेतन के दान करने की घोषणा की। लगभग 28 करोड़ के घाटे वाले इस बजट में निगम की आय बढ़ाने के लिए नए कर के रूप में सीवेज टैक्स का प्रावधान तो किया है, लेकिन ये बड़े संस्थानों से ही वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार पेयजल सप्लाई के लिए बल्क कनेक्शन का प्रावधान भी किया जा रहा है, लेकिन ये भी व्यावसायिक संस्थानों पर ही लागू होगा। पिछले साल 1550 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। भी 19 अरब का बजट यहाँ पर मैंने भी प्रस्तुत किया है। लगभग सभी विकास के सभी आयामों का उसमें ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से अमृत योजना का उल्लेख उसमें हुआ है। अमृत योजना के अंतर्गत प्रत्येक कनेक्शन तक दबाव से पेयजल और हर घर को सीवेज नेटवर्क में शामिल करने का उसमें प्रावधान किया गया है। मेरा मानना है ये बहुप्रतीक्षित योजना इस वर्ष लगभग पूरी होने की उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद ग्वालियर के पेयजल की और सीवर की समस्या का आखिरकार निदान जरूर हो पाएगा। देखिए, संतोष असंतुष्ट की बात नहीं है। महापौर महोदय द्वारा जो आज 10वां बजट और आखिरी बजट इस कार्यकाल का आखिरी बजट जो पेश किया गया वो 1900 करोड़ के लगभग है। पूर्व में भी 1500 करोड़ का बजट पेश किया गया था।
पहले ही जब 1500 करोड़ के बजट में कभी ना 1500 करोड़ रुपए आए और ना 1500 करोड़ रुपए व्यय हुए। हमारा कुल बजट 500-600 करोड़ के आसपास है, तो इतना नहीं होना चाहिए इसमें कि आवासीय दुनिया में इतना नहीं जीना चाहिए कि 1500 से लेकर 1900 करोड़ का बजट कर दिया और इस बजट में केवल कोई पुरानी योजनाएँ, चाहे अमृत योजना हो, स्मार्ट सिटी योजना हो, ISDP योजना हो, राजीव आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब पुरानी योजनाएँ। पार्कों का मैं भी जो बर्बाद पैसा किया जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे कोई भी STP प्लांट हो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो चाहे हाइड्रोलिक मशीन हो, हमारे यहाँ रोप वे था, वो भी सब पुरानी चीज़ें हैं, परंतु कोई भी नया निर्माण इसमें नहीं लिया गया। हमने ये कहा था कि एक ब्लूप्रिंट बनाएं, आपके यहाँ कितने रोडों पर पैसा खर्च होता है, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारा 50 करोड़ रुपए रोडों पर खर्च कर होता है, फलानी चीज़ों पर इतना खर्च होता है, 300 करोड़ रुपए आपका बेहतर पर खर्च होता है, तो फिर 1900 करोड़ का बजट कैसे बनाया, ये मेरी समझ से परे। इस परिषद के कार्यकाल का अंतिम बजट महापौर माननीय विवेक नारायण किरण सेजवलकर जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया है। बजट 19,01,07,05,000 का है और इसमें 28,64,05,000 घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। और आज की इस बजट बैठक में दो दिन का समय सम्मानीय पार्षदों को दिया गया है, बजट पेश किया है महापौर जी के द्वारा। हो सकता है इसमें कुछ सदन की भावना इसमें सम्मिलित ना हो, सदस्य जो भी अपने संशोधन प्रस्ताव लगाना चाहते हैं तो उनको 25 फरवरी तक का समय दिया गया है, अपने संशोधन प्रस्ताव कार्यालयीन समय में दे सकते हैं। और इस बैठक में एक शोक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पढ़ा गया है। उस शोक प्रस्ताव में हमारे जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकियों के द्वारा कायराना हरकत कर हमारे सैनिकों के साथ में जो हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और उनके साथ साथ हमारे शहर के समाजसेवी श्रद्धे दीनानाथ आनंद जी और इस परिषद की सदस्या पूर्व रहीं विमला कुशवाहा जी का भी निधन हुआ है, तो इस सबका शोक प्रस्ताव सदन में पढ़ा गया और सर्वसम्मति से सदन ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को, दिवंगत वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस के कोच के बीते बुधवार को पटरी से यार्ड में उतरने के मामले में रेलवे ने जांच करा ली है। जांच कमेटी ने पॉइंट मैन और ड्राइवर को इसके लिए दोषी माना है। ज्वाइंट कमेटी की इस रिपोर्ट को झांसी मंडल स्थित DRM कार्यालय को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस का जनरेटर कोच बुधवार को शाम लगभग 5 बजे के करीब पटरी से यार्ड में उतर गया था। कोच के बेपटरी होने पर तुरंत सायरन बजने लगा था, जिसके बाद 2.5 घंटे की मशक्कत की गई और SLR कोच पटरी पर लाया जा सका था, जिसके चलते यात्रियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा था। कोच को पटरी पर लाने के बाद 1.5 घंटे की देरी से ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन को रवाना किया गया था। कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जहां स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते प्रभाव को रोकने, आगामी महीनों में मौसम के हिसाब से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान तय किया गया कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए लोगों का जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि थोड़ी सी सावधानी लोगों को इस घातक बीमारी की चपेट में आने से उन्हें बचा सकती है। देखिए, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के केसेस में थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है, हालांकि मौसम अब अनफेवरेबल है, फिर भी इसके जो केसेस पाए गए हैं
उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ रणनीति अपनी बनाई है। वो एक तो उसमें यह है कि हमने इसमें कुछ आप लोगों के माध्यम से, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम ये मैसेज दे रहे हैं पब्लिक में कि क्या करें और क्या ना करें। इसमें अभी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के लिए उसमें बातें हैं, कुछ बातें ऐसे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है कि हम ना जब कभी खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने चेहरे, अपने मुंह को रुमाल से ढाँक के रखें। यदि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो किसी भी प्रकार के फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचें, हाथों के स्पर्श, हाथ मिलाने से बचें, किसी के शरीर से स्पर्श से बचें। और दूसरा, यदि कोई हमें संभावित रोगी नज़र आता है, कोई सर्दी खांसी का जुकाम का मरीज नज़र आता है, तो उससे हम 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। इसके अलावा जितनी बार हम चेहरे पे अपना हाथ ले जाते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि हाथ हमारा साबुन और पानी से धुला हुआ हो, क्योंकि इस वायरस की जो रूट ऑफ एंट्री है हेल्दी इंडिविजुअल में, वो हाथों के माध्यम से ही नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश करते हैं वायरस। तो अगर हम नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहें तो हम बचाव कर सकते हैं। अलावा इसके, कोई ऐसा संभावित रोगी है जिसको लगता है कि सर्दी है, जुकाम है, गले में दर्द है, बुखार है, तो इस तरह के रोगियों को हम सलाह देते हैं कि निकट के जो भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, चाहे वो शासकीय हों या अशासकीय हों, चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। स्वाइन फ्लू के लिए कोल्ड ओपीडी जिला चिकित्सालय मुरार में और जय आरोग्य चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क रन की जा रही हैं। अलावा इसके महेश्वरी नर्सिंग होम में है, KDJ हॉस्पिटल में है, सिम्स हॉस्पिटल में है, यहाँ पर भी स्वाइन फ्लू के मरीज देखे जा रहे हैं। पैदल यात्रा कर अपने ईश्वर से मिलने जाते समय आप लोगों ने कई भक्तों को जरूर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी मुराद पूरी होने पर अपने गांव कापरखेड़ा नागपुर महाराष्ट्र से दिल्ली स्थित अपने भगवान राहुल गांधी से मिलने जा रहा है। दरअसल कापरखेड़ा के रहने वाले युवक संजय रोशन बागड़े ने मुराद मांगी थी कि यदि तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो अपने गांव से पैदल दिल्ली तक हाथ में तिरंगा लेकर राहुल गांधी से मिलने जरूर जाएंगे। जैसे ही तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, वैसे ही रोशन बागड़े ने 3 जनवरी 2019 को अपने हाथ में तिरंगा उठाया और चल पड़ा अपने भगवान राहुल गांधी से मिलने। दिल्ली के लिए संजय को पूरा भरोसा है कि दिल्ली पहुंचते ही उसके भगवान राहुल गांधी उसे जरूर मिलेंगे। रोशन का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश भर में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना और राहुल गांधी से मिलना है। संजय रोशन ने ये भी बताया कि उसने अभी शादी भी नहीं की है, वह भी शादी तभी करेगा जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब राहुल जी से मिलने जा रहे हैं, 3 जने जा रहे हैं, 3 स्टेट में कांग्रेस आई है, सामने इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बने और देश के युवा पत्र राहुल जी बने, इसके लिए जा रहे हैं सर। कुछ यंग लोगों की तरफ से हम जा रहे हैं सर। आपने अपनी यात्रा कब शुरू की? 3 जनवरी से सर। कहाँ से शुरू की आपने? ये सर महाराष्ट्र नागपुर से, खापरखेड़ा गाँव से। और ये जो आपने अपनी टी शर्ट पहन रखी है, हाँ सर, इस पे आपने राहुल जी का फोटो भी लगा रखा है। हाँ सर, राहुल जी से। तो आप इससे क्या संदेश देश को देना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर, यंग है, यंग प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे राहुल जी का, काफ़ी लोग देखना चाहेंगे। वैसे सिद्धू जी ने बोली रखा है 2018 में लाल किले का झंडा राहुल जी फहराएंगे। आपके दिल में कैसे आया कि मैं पैदल राहुल जी से मिलने जाऊँ? सर ऐसे तो काफ़ी लोग जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, हम बोले ऐसे तो जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे नहीं, चलो पद यात्रा भ्रमण करते हुए देश का चलते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते जुलते चल रहे हैं सर। राहुल जी से मिलके आप क्या कहने वाले हैं? कुछ नहीं सर, हम तो बधाई देने जा रहे हैं और गरीबों के लिए और यंग लोगों के लिए कुछ करें सरकार, इसके लिए सर हम जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा नई मतदाता सूची का शुक्रवार को प्रकाशन कर दिया गया है। कलेक्टर भरत यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सूची में ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभाओं के मतदाताओं की अंतिम जानकारी दे दी गई है और ग्वालियर में मतदाताओं की कुल संख्या 15,22,311 हो गई है, जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। ये
मतदाता सूची का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अंतिम प्रकाशन हुआ है और इस मतदाता सूची के आधार पर ही आगामी समय में लोकसभा निर्वाचन होना है। आज जो मतदाता सूची का आज जो प्रकाशन हुआ है ग्वालियर जिले की 6 विधानसभाओं का, उसमें 15,22,311 मतदाता हैं और जो युवा मतदाता हैं वो 36,015 हैं। और पिछली जो मतदाता सूची का प्रकाशन दिसंबर 18 में हुआ था उससे काफ़ी करीब 19,000 युवा मतदाता जो 18 से 19 वर्ष के हैं उनका वृद्धि हुई है। कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि अभी भी जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह गए हैं उनके लिए 2 और 3 मार्च के विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे जहां नए युवा मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। लेकिन 2 और 3 मार्च को भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार स्पेशल शिविर लग रहे हैं। अभी भी अगर कोई लोग मतदाता जो 18 साल के हो गए हैं 1 जनवरी 2019 को और अभी भी अगर उन्होंने अपना नाम नहीं जुड़वाया है तो वो 2 और 3 मार्च को अपने मतदान केंद्र पर पहुँच के फॉर्म 6 भर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। किसी को नाम में संशोधन कराना है, किसी को नाम कटवाना है या जिनने कहीं और नाम जुड़वा लिया तो वो भी 2-3 मार्च को फॉर्म भर के कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी गई है जिसके लिए शुक्रवार को जहां नई मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की जानकारी देने के लिए एक बैठक का आयोजन भी किया गया जहां कलेक्टर भरत यादव ने उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा नई सूची की जानकारी दी, साथ ही निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। उसके पीछे कारण केवल ये थे कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा आने वाली लोकसभा के चुनावों की जो मतदाता फोटोयुक्त मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन किया गया है, इस बात की जानकारी दी गई थी। उसी के साथ में एक निर्णय और लिया गया है कि अगर इस मतदाता सूची में अगर कोई इसके बावजूद इतना सब करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में आने से वंचित रह गया हो तो एक और मौका उसको आने वाले 2 मार्च को हर एक मतदाता केंद्र पर BLO और पार्टी के संबंधित BLA बैठेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी ग्वालियर शहर के सभी नागरिकों से मतदाताओं से ये निवेदन करता हूँ कि वो मतदाता सूची का वो अवलोकन कर लें और आने वाली 2 मार्च और 3 मार्च को प्रातःकाल अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में वो नाम देख लें। बाई दबे अगर उनका नाम ना हो तो उसमें वो नाम भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात आज कलेक्टर महोदय के द्वारा ये भी बताई गई कि हम लोगों को सभी राजनीतिक दल लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने अपने मतदान केंद्र में अगर कोई ऐसा जो सम्मानित व्यक्ति है जो मतदाता सूची में वंचित रह गया हो जिसको अपन VIP की श्रेणी में रख सकते हैं या कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हो या कोई साहित्यकार हो या जजेज हो रिटायर्ड कोई जज हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो जो समाज में कोई अच्छा स्थान रखता हो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर हो तो वो मतदाता सूची में उसका क्लियरिफिकेशन कर दिया जाए कि वो मतदाता सूची में कहीं ऐसा ना हो कि छूट गया हो तो ऐसे नाम भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो यही सारी बातों को लेकर आज मतदाता सूची के संबंधित और अंतिम प्रकाशन की एक फोटोयुक्त सूची दी गई है, वहीं एक CD भी दी गई है जिसमें पूरे मतदान केंद्र के हमारे जितने भी वोटर लिस्ट है इस CD को भी आज सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। उसमें एक तो उनका ये सुझाव आया है कि 2 और 3 मार्च को जो अब ये मौका है अंतिम नाम जुड़वाने का संशोधन कराने का उसमें BLO समय पे पहुँचे तो ये उन्होंने एक सुझाव दिया है जिससे कि सभी लोग जो है वहाँ पे पहुँच पाएँ और लाभ ले पाएँ उन शिविरों का। साथ में जो अब नए नाम जुड़ गए हैं इनको मतदाता पहचान पत्र जल्दी वितरण हो जाए तो वो भी हम करा रहे हैं, ये सुझाव आए थे। बाकी उन लोगों से भी हमने आग्रह किया है कि जो मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करना है तो उनके भी जो बूथ लेवल एजेंट हैं उसको जाके देखें और इन शिविरों में उनके बूथ लेवल एजेंट भी आएँ जिससे कि वो शिविर अच्छे से हो सकें और मतदान केंद्रों पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं करना है निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वो पूरी हो सकें।